नमस्ते साथियों, हम पढ़ रहे थे वैदिक सूक्त और वैदिक सूक्त में अग्नि सूक्त और इंद्र सूक्त पढ़ने के बाद आज हम तीसरा सूक्त स्टार्ट करते हैं और आज का अपना सूक्त होगा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से है, सृष्टि उत्पत्ति दर्शन से है, इस कारण पुरुष सूक्त दार्शनिक श्रेणी का सूक्त है। ऋग्वेद के जो जो सूक्त अपने सिलेबस में हैं, उन सूक्तों में से पुरुष सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है और इसका संबंध ऋग्वेद के दशम मंडल से है। ऋग्वेद के दशम मंडल में दार्शनिक सूक्तों का बाहुल्य है। दार्शनिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त प्रमुख है और ये तीनों दार्शनिक सूक्त तीनों सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में। इन तीनों सूक्तों का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। पुरुष सूक्त दशम मंडल का 90वां सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त दशम मंडल का 121वां सूक्त है और वहीं नासदीय सूक्त दशम मंडल का 129वां सूक्त है। आइए शुरुआत करते हैं पुरुष सूक्त की। पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पुरुष सूक्त का एक सामान्य परिचय लेते हैं, जिनमें से सतही तौर पर ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुष सूक्त में सबसे पहली बात, पुरुष सूक्त का मंडल कौन सा है? पुरुष सूक्त दशम मंडल में शामिल किया है ऋग्वेद में और दशम मंडल का 90वां सूक्त है तो इसका सूक्त क्रमांक है 1090, अर्थात ये दशम मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त 1090। पुरुष सूक्त के देवता हैं विराट पुरुष और पुरुष सूक्त के ऋषि हैं नारायण। सबसे महत्वपूर्ण है ऋषि, देवता तो पुरुष ही है, नाम ही पुरुष सूक्त है, ऋषि नारायण है, ऋषि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है कि इस सूक्त में मंत्र कितने हैं और उन मंत्रों में छंद कौन सा है, तो ध्यान रहे पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं और इन 16 मंत्रों में से प्रारंभिक 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है और जो अंतिम 16वां मंत्र हैं उसमें त्रिष्टुप छंद है। ये सारी जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, इनको सतही तौर पर आप प्राथमिकता दें, प्रश्न इन्हीं में से बनना है। अंदर मंत्र में से भले ही प्रश्न बने नहीं बने लेकिन इनमें से तो प्रश्न आना ही है निश्चित रूप से। और इस सूक्त की जो प्रकृति है, अभी अभी हमने चर्चा की है कि यह एक दार्शनिक सूक्त है क्योंकि ये सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित सूक्त है, इसीलिए इसको सृष्टि उत्पत्ति सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त ये दार्शनिक सूक्त हैं और तीनों ही सृष्टि उत्पत्ति सूक्त कहलाते हैं। अब बात आती है पुरुष सूक्त के मंत्रों की। पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं उन 16 मंत्रों का क्या अर्थ है, उनमें से एक एक मंत्र का अर्थ हम लेते हैं। आते हैं, शुरुआत करते हैं प्रथम मंत्र से। पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, अनुष्टुप छंद है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। इस प्रथम मंत्र में उस विराट पुरुष का स्वरूप बताया गया है, विराट पुरुष कैसा है, एक तो उसका स्वरूप बताया और एक उसका आकार बताया। प्रथम और द्वितीय इन दोनों चरणों में, मतलब ऊपर वाली पंक्ति में उसका स्वरूप बताया है, वो दिखने में कैसा है विराट पुरुष। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय कोई तत्व विद्यमान नहीं था, केवल एक ही तत्व विद्यमान था और वह तत्व है विराट पुरुष। कैसा था विराट पुरुष, स्वरूप कैसा था उसका, कहा है सहस्र शीर्षा, हजारों शिर वाला था वह, हजार शिर थे उसके,
सहस्राक्ष हजार आंखें हैं उसके और सहस्रपाद उसके हजार पैर हैं। हजार सिर वाला, हजार आंखों वाला और हजारों पैर वाला है वो। और आकार कितना बड़ा है, ये तो स्वरूप की बात हो गई, आकार कितना बड़ा है, साइज कैसे है उस विराट पुरुष की। तृतीय और चतुचरण में कहा है, उसकी साइज बताइए, आकार बताया है। स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। स उस विराट पुरुष ने, वो विराट पुरुष इतना बड़ा है कि स उसने भूमिम इस भूमि को, इस पृथ्वी को विश्वतः चारों ओर से, उसने इस पृथ्वी को चारों ओर से वृत्वा व्याप्त करके आवृत करके, जब विराट पुरुष इस पृथ्वी पर लेटा तो इस सारी पृथ्वी के ऊपर छा गया, सारी पृथ्वी को व्याप्त कर लिया। और सारी पृथ्वी को व्याप्त करने के बाद भी दशांगुलम अत्यतिष्ठत, दस अंगुल के बराबर शेष बच गया, इतना बड़ा है कि पृथ्वी से भी बाहर निकल गया। इसमें कहा है वृत्वा अत्यतिष्ठत, दीर्घ संधि हो रही, वृत्वा अत्यतिष्ठत। स उस विराट पुरुष ने भूमिम इस पृथ्वी को विश्वत चारों ओर से वृत्वा व्याप्त करके, चारों ओर से व्याप्त कर लिया, छा गया इस पृथ्वी पर। और इसके बावजूद भी दशांगुलम दस अंगुल के बराबर अत्यतिष्ठत स्थित है, इसके बाहर भी इसको व्याप्त करके भी दस अंगुल के बराबर स्थित है, अर्थात शेष बच गया। जैसे कोई व्यक्ति 6 फीट 10 इंच का है और अपना जो पलंग है वो पलंग 6 फीट का ही है, अब उससे कहो कि इस पे लेट जा, अब लेटेगा तो उस पलंग को तो व्याप्त कर लेगा वो, लेकिन उसके बाद भी 10 इंच तो बचेगा बाहर भी। यही हाल विराट पुरुष का हुआ। विराट पुरुष जब इस पृथ्वी पर लेटा तो पृथ्वी को तो चारों ओर से व्याप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद भी दशांगुलम दस अंगुल के परिमाण के बराबर अत्यतिष्ठत स्थित है, दस अंगुल शेष बच गया। तो प्रथम जो मंत्र है, प्रथम मंत्र में मुख्य रूप से 3 विशेषण ध्यान रखने हैं विराट पुरुष के। पहला विशेषण सहस्र शीर्षा, दूसरा विशेषण सहस्राक्ष और तीसरा विशेषण है सहस्रपाद। और चौथी बात है कि उस विराट पुरुष का परिमाण कितना है, कितना बड़ा है, साइज कितनी है। तो ध्यान रहे, पृथ्वी के बराबर तो वह है सही, लेकिन पृथ्वी के बाहर भी वह दशांगुलम अत्यतिष्ठत। अगर प्रश्न आया विराट पुरुष से परिमाण वर्तते, विराट पुरुष से परिमाण कियत, विराट पुरुष का परिमाण कितना है, ऑप्शन मिलेंगे। भूमिम विश्वत वृत्वा पंचदशांगुलम, या दशांगुलम, या विंशत्यंगुलम, या पंचांगुलम, आपको आंसर देना है दशांगुलम। भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके भी 10 अंगुल के बराबर शेष बच गया विराट पुरुष। ठीक है, ये 4 प्रश्न इसमें से बनेंगे, एक तो परिमाण और 3 विशेषण। इसके बाद दूसरे मंत्र पर आते हैं। दूसरा मंत्र कहता है पुरुषे वैदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, पुरुषे वैदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम अमृतत्वस्य ईशान यदन्नेनातिरोहति। उतामृतत्वस्य ईशान यदन्नेनातिरोहति। इसमें कहा है कि यद्भूतम जो हो चुका और यच्च भव्यम जो होने वाला है, कहाँ कहाँ सत्ता है,
विराट पुरुष की। जब हम कहते हैं प्रत्येक दर्शन ये कहता है कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, इस परिकल्पना को साकार करने वाला, इस परिकल्पना को प्रमाणित करने वाला यदि कोई मंत्र है तो वो मंत्र है पुरुषोक्त का दूसरा मंत्र, जो इस परिकल्पना को प्रमाणित करता है, साकार करता है, मूर्त रूप देता है कि कण कण में ईश्वर है। जो पदार्थ अब तक बन चुके, जो वस्तुएं अब तक उत्पन्न हो चुकी, उनमें भी पुरुष हैं अर्थात ईश्वर हैं, विराट पुरुष है, और जो वस्तुएं अब बनने वाली हैं, अब जिनका उत्पादन होगा, उनमें भी विराट पुरुष है। इसलिए कहा है कि यद भूतम, जो हो चुका, और यच्च भव्यम, और जो होने वाला है। भूत मतलब हो चुका, भव्य यानी होने वाला है। भूत मतलब भूतकाल, भव्य मतलब भविष्यकाल। भूत मतलब आगत, जो आ चुका, और भव्य मतलब अनागत, जो अभी नहीं आया अब आएगा। तो जो भूत और भविष्य, आगत और अनागत बन चुका है और जो अब बनने वाला है, जो कुछ भी जगत में है, आगत अनागत, निर्मित अनिर्मित, भूत भविष्य, इदम सर्वम, वह सब कुछ पुरुष ही है, सभी में विराट पुरुष ही है। जो अब तक हो चुका उनमें भी विराट पुरुष, और जो अब होने वाला है उनमें भी विराट पुरुष। आगत में भी विराट पुरुष, अनागत में भी विराट पुरुष, भूत में भी विराट पुरुष, तो भव्य अर्थात भविष्य में भी विराट पुरुष। जो वस्तुएं उत्पन्न हो चुकी उनमें भी पुरुष की सत्ता है, और जो वस्तुएं अब उत्पन्न होगी उनमें भी पुरुष की ही सत्ता है। पुरुषे इदम सर्वम, ये सब कुछ विराट पुरुष ही है अर्थात कण कण में ईश्वर है। तृतीय चरण आता है, उतामृतत्वस्य ईशान, उत और, उत का अर्थ होता है और वह ईश्वर, वह विराट पुरुष अमृतत्वस्य ईशान, अमरत्व का स्वामी है। ईशान का अर्थ है स्वामी, अमरता का स्वामी है। यहां से प्रश्न बनेगा, अमृतत्वस्य ईशान का ऑप्शन मिलेंगे अग्नि, इंद्र, वरुण, पुरुष। उत्तर होगा पुरुष, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। उत अमृतत्वस्य ईशान, अमृतत्व से ईशान, अमृतत्व का ईश कौन है, अमृतत्व का स्वामी कौन है। उत्तर होगा विराट पुरुष। यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न के कारण बढ़ता है, यद अन्नेन अतिरोहति, विराट पुरुष अतिरोहति, अतिरोहति का अर्थ बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। किसके द्वारा, क्या खाता है वो ऐसा जिससे वृद्धि को प्राप्त करता है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशंस कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से न्यूट्रिशंस लेता है वो। कहा है कि वह कोई न्यूट्रिशंस नहीं लेता, वह तो अन्नेन अर्थात भोग्य पदार्थों के द्वारा अतिरोहती बढ़ता है। संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, इन भोग्य पदार्थों का जब उत्पादन होता है, सृष्टि का जब विकास होता है, सृष्टि की वृद्धि होती है, तो विराट पुरुष की भी वृद्धि होती है इन्हीं भोग्य पदार्थों के द्वारा। वो कोई अलग थोड़ी ना है, कण कण में पुरुष है, विदम सर्वम, जो जो दिख रहा है सब कुछ विराट पुरुष है। और यहां जब भोग्य पदार्थ उगते हैं, बढ़ते हैं, तो विराट पुरुष भी बढ़ता है। दो प्रश्न इस द्वितीय मंत्र में से बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यद भूतम यच्च भव्यम, यद भूतम यच्च भव्यम देव क, उत्तर होगा विराट पुरुष। अमृतत्वस्य ईशान क, उत्तर होगा विराट पुरुष। ये दो प्रश्न इस मंत्र में से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हैं। इनमें भी अमृतत्वस्य ईशान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो विराट पुरुष का एक विशेषण भी है, अमृतत्व का स्वामी विराट पुरुष। केन अतिरोहति, उत्तर होगा अन्नेन, किसके द्वारा बढ़ता है विराट पुरुष, किसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता है, उत्तर होगा अन्नेन। ये द्वितीय मंत्र हुआ। अब हम आते हैं तृतीय मंत्र की ओर। विराट पुरुष का स्वरूप बता रहे हैं, इसमें भी उसका आकार बता रहे हैं। तृतीय मंत्र है, एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुष, एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुष।
पादोस्से विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुष पादोस्से विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि त्रिपादस्यामृतम दिवि। इसमें कहा कि देखो विराट पुरुष का आकार कितना है, साइज कितनी है, उसकी साइज उसका आकार बताते हुए कहते हैं विश्वाभूतानि एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि। विश्वाभूतानि का अर्थ है समस्त प्राणी, समस्त प्राणी तो अस्य पाद इसका एक चौथाई है बस, अर्थात जो प्राणी जगत में दिख रहा है, सारा संसार सृष्टि दिख रही है, वह केवल एक चौथाई है। फिर तीन चौथाई कहाँ है? तभी तो कहा है कि ये जो दिख रहा है ना, ये तो केवल उसकी महिमा है बस, जो हमें संसार दिख रहा है, जो भी उसकी उसके क्रियाकलाप दिख रहे हैं सृष्टि में, जो भी पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब उसकी महिमा मात्र है। एतावान अस्य महिमा तो एतावान, ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि तो अस्य महिमा तो इसकी महिमा मात्र है, इसकी माया है। पुरुष ज्यायान, पुरुष तो इससे भी बड़ा है, ज्यायान मतलब बड़ा। ऐसा नहीं है कि जितनी सृष्टि है वो कण कण में ईश्वर है, तो जहां तक कण है वहीं तक ईश्वर है, जहां जितनी सृष्टि है उतना ही बड़ा ईश्वर है, ऐसा नहीं है। जितनी सृष्टि है ईश्वर तो उससे भी बड़ा है। एतावान, ये जो पदार्थ दिख रहे हैं, जो सृष्टि नजर आ रही है, वो तो अस्य महिमा तो इसकी महिमा मात्र है, इसकी माया है। पुरुष ज्यायान, पुरुष तो इससे भी बड़ा है, ज्यायान में ये सुन प्रत्यय है, ज्यायान ज्यायान सौ ज्यायान ये सुन प्रत्यय से बना है, तुलना के अर्थ में लगता है ये सुन प्रत्यय, तो इससे भी बड़ा है पुरुष, तो संसार से भी बड़ा, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है इससे। तो आया कि अस्य विश्वाभूतानि, विश्वाभूतानि ये जितने भी भूत हैं, अर्थात जितना भी प्राणी जगत है, जितने भी ये संसार में अपने हिस्तावर जंगम चराचर जितने भी वस्तुएं नजर आ रही हैं, वो सब अस्य पाद इसका एक चौथाई मात्र है। इसका मतलब ईश्वर तो बहुत बड़ा है। पूछा किसी ने ईश्वर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। कितना? इतना नहीं, और बड़ा। इतना नहीं, और बड़ा। इतना नहीं, तो क्या संसार के बराबर? नहीं, इससे भी बड़ा। संसार से भी बड़ा क्या हुआ? तो कहा कि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये तो केवल अस्य पाद इसका एक चौथाई मात्र है। विश्वा भूतानि, सारे प्राणी सारा संसार इसका एक चौथाई है। फिर तीन चौथाई क्या है? अस्य त्रिपाद, अस्य त्रिपाद इसका जो तीन चौथाई भाग है, वो तीन चौथाई भाग तो दिवि अर्थात आकाश लोक में अमृतम अमर होकर रहता है, तीन चौथाई भाग तो द्विलोक में अमर है। ये पृथ्वी जो दिख रही है, ये इस विराट पुरुष का चतुर्थांश है, एक चौथाई है, एक पाद है। बाकी जो इस विराट पुरुष का त्रिपाद है, तीन चौथाई भाग है, वो तो दिवि द्विलोक में आकाश लोक में अमृतम अमर होकर रहता है। ये जो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र में से प्रश्न बनेगा विश्वानि भूतानि पुरुषस्य कियत् परिमाणः, उत्तर होगा पाद। पुरुषस्य दिवि कियत् परिमाणः, द्विलोक में पुरुष का कितना परिमाण है, उत्तर होगा त्रिपाद। ठीक है, प्रश्न बनेगा एतावान महिमा तो ज्यायांश, अब खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, वहां पर ऑप्शन होंगे अग्नि इंद्र पुरुष वरुण, आपको आंसर लगाना है पुरुष। ये तीन चार प्रश्न इसमें से बनते हैं। इसके बाद हम पुरुषोक्त के चौथे मंत्र की ओर चलते हैं। पुरुषोक्त का चौथा मंत्र है त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष,
त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष पादोस्यावत पुनः ततो विश्वं विक्रामात् शासनानशने अभि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष पादोस्यावत पुनः ततो विश्वं विक्रामात् शासनानशने अभि। ये जो चौथा मंत्र है, इस चौथे मंत्र में तीसरे मंत्र की बात को और आगे बढ़ाया गया। तृतीय मंत्र में ये कहा था कि समस्त जो प्राणी जगत है वो इसका एक चौथाई है और तीन चौथाई तो दिव अर्थात दिवलोक में अमृतम अमर होकर रहता है। तो इसी मंत्र में कह रहे हैं कि त्रिपाद, इस विराट पुरुष का जो तीन चौथाई भाग है, त्रिपाद पुरुष तीन चौथाई जो विराट पुरुष है वो तो ऊर्ध्वम उदेत ऊपर उठा हुआ है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, उदेत यानी उठा हुआ, इसका तीन चौथाई भाग तो इस संसार से ऊपर उठा हुआ है। और पादोस्य, और इसका जो पाद है, इसका जो एक चौथाई भाग है वह एक चौथाई भाग इह, इसका हमें पदच्छेद करना होगा समझने के लिए। ये जो पद हैं पाद अस्य यह अभवत, इन चार शब्दों से मिलकर ये पद बना है। अस्य पाद, इसका जो एक चौथाई भाग है वह एक चौथाई भाग ही यह इस संसार में, यह का मतलब है इस लोक में, इस संसार में पुनः अभवत बार बार उत्पन्न होता है। अर्थात ये जो एक चौथाई भाग है विराट पुरुष का, ये एक चौथाई भाग ही जब प्रलय आता है तब नष्ट हो जाता है और सृष्टि उत्पत्ति के समय पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो एक चौथाई भाग तो सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय से प्रभावित होता रहता है और तीन चौथाई भाग है वह द्विलोक में अमर होकर के रहता है। इसके बाद तृतीय चरण आता है, ततो विश्वं विक्रामात् शासना नशने अभी। और वो जो विराट पुरुष हैं, वो विराट पुरुष समस्त प्राणियों को व्याप्त किए हुए हैं। किन प्राणियों को? केवल सजीवों को या निर्जीव को भी? तो ध्यान रहे, वो विराट पुरुष सजीव और निर्जीव दोनों को व्याप्त किए हुए हैं। शासना नशने, शासन का मतलब सजीव और अनशन का मतलब निर्जीव। सजीव और निर्जीव दोनों को विश्वं चारों ओर से विक्रामत व्याप्त किए हुए हैं। विश्वं का अर्थ है चारों ओर से और विक्रामत का अर्थ है व्याप्त करना। वह विराट पुरुष शासन, शासन का मतलब सजीव। अनशन, अनशन का मतलब है निर्जीव। वह समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों को विश्वं चारों ओर से विक्रामत व्याप्त किए हुए। शासन का मतलब सजीव क्यों होता है, अनशन का मतलब निर्जीव क्यों होता है? देखो, एक धातु है अश धातु। अश धातु का अर्थ होता है भोजन करना, खाना। इस अश धातु में जब हम ल्युट प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अशन। जैसे पठ में लुट जोड़ेंगे तो पठन, लिख में लुट जोड़ेंगे तो लेखन, ऐसे अश धातु में लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो अशन, तो अशन का अर्थ है भोजन। अब अशनेन सह भोजन के साथ तो शासन, जैसे आदरेण सह आदर के साथ तो सादर, ऐसे अशनेन सह अशन के साथ तो शासन। अब जो भोजन के साथ जीते हैं, भोजन के साथ रहते हैं, मतलब जो भोजन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? शासन, मतलब सजीव। और न अशन, जो अशन नहीं करते, जो भोजन नहीं करते वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे अनशन। न अशन इति अनशन, न अनुनाशिक इति अननुनाशिक। उसी तरह से न अशन इति अनशन, अर्थात अशन विहीन, भोजन विहीन। भोजन विहीन कौन है? जो भोजन नहीं करते वह सब निर्जीव है। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि शासन और अनशन, सजीव और निर्जीव सभी पदार्थों को विश्वं चारों ओर से अभिव्याक्रामत
व्याप्त किए हुए हैं विराट पुरुष। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेगा इसमें से, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुष पुरुष कियत ऊर्ध्वम उदयत, उत्तर होगा त्रिपाद विराट पुरुषस्य इह कियत भाग पुनः अभवत, उत्तर होगा पाद। इसके बाद पांचवें मंत्र की तरफ आते हैं। पांचों मंत्र अभियान से सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अभी तक तो विराट पुरुष का स्वरूप बता रहे थे चारों मंत्रों में, अब पांचवें मंत्र से सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। सृष्टि में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, उसके बाद क्रमशः कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई, कौन कौन से तत्वों का निर्माण हुआ, इसका वर्णन है। पांचवें मंत्र से शुरुआत की गई है। पांचवा मंत्र है तस्माद् विराड अजायत विराजो अधिपुरुष, तस्माद् विराड अजायत विराजो अधिपुरुष, स जातो अतिरिच्य पश्चात भूमि मथो पुर। तस्मात् उस विराट पुरुष से, तस्मात् अर्थात उस विराट पुरुष से विराड अजायत, ट के स्थान पर ड हुआ है, तस्मात् उसी विराट पुरुष से विराट, यहां विराट का अर्थ है ब्रह्मांड और तस्मात् का अर्थ है विराट पुरुष। तस्मात् उस विराट पुरुष से विराट अर्थात ब्रह्मांड अजायत उत्पन्न हुआ, उसी विराट पुरुष से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और विराजो अर्थात उस ब्रह्मांड से, विराट का षष्ठी एकवचन है विराज, और विराजो उस ब्रह्मांड का अधि सहारा लेकर के, उस ब्रह्मांड का आश्रय लेकर के पुरुष अर्थात जीवात्मा उत्पन्न हुई। यहाँ जो पुरुष शब्द है इसका अर्थ है आत्मा, आत्मतत्व। इसका समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ विराट का मतलब विराट पुरुष नहीं है, पुरुष का मतलब विराट पुरुष नहीं है। यहाँ पर विराट शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड और पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा। तो तस्मात् इसका मतलब है विराट पुरुष, तस्मात् का अर्थ है यहाँ पर विराट पुरुष। तो तस्मात् अर्थात उस विराट पुरुष से सर्वप्रथम विराट अजायत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और विराजो अधि उस विराज का, उस विराट का, उस ब्रह्मांड का आश्रय लेकर के पुरुष आत्म तत्व उत्पन्न हुआ, आत्मा पैदा हुई। फिर क्या हुआ, फिर आया स वह जीवात्मा जातो, उत्पन्न होते ही वह जीवात्मा उत्पन्न होते ही अतिरिच्यत, सबसे आगे बढ़ गई, सबसे प्रमुख बन गई। अब आत्म तत्व से मुख्य तत्व और कौन सा है संसार में, वही सबसे मुख्य सर्वोपरि तत्व वही है, सर्वप्रमुख वही है। इसलिए कहा है कि स जातो अतिरिच्यत, स का उत्तर होगा पुरुष अर्थात आत्म तत्व। तो स वह जीवात्मा जात, उत्पन्न होते ही वह जीवात्मा उत्पन्न होते ही अतिरिच्यत, सबसे आगे बढ़ गई। पश्चात भूमिम अथो पुर, पश्चात इसके बाद भूमिम भूमि का निर्माण हुआ, धरती का निर्माण हुआ। पश्चात भूमिम इसके बाद भूमि बनी, उसके बाद पुरह, पुरह का अर्थ है यहां पर शरीर, उसके बाद शरीरों का निर्माण हुआ। क्योंकि पहले शरीर का निर्माण हो जाएगा तो उससे क्या मतलब है, आत्मा तो होनी चाहिए। तो पहले आत्म तत्व का निर्माण हुआ, फिर धरती का निर्माण हुआ, फिर शरीर का निर्माण हुआ, फिर आत्मा उस शरीर में डाली, फिर वह शरीर से धरती पर घूम रहा है, सिस्टमेटिक काम हुआ है। तो सबसे पहले विराट पुरुष, विराट पुरुष के बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आत्म तत्व, आत्म तत्व के बाद भूमि, और भूमि के बाद पुर, पुर अर्थात शरीर। ये सृष्टि उत्पत्ति का क्रम रहा है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इन्हीं से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी वस्तुएं बनानी है। अभी तो घोड़े, गाय, बैल, दूध, दही, घी, बहुत सारी चीजें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे सृष्टि चलेगी।
कैसे बना? तो इसके लिए देवताओं ने क्या है, यज्ञ किया। उस यज्ञ से फिर सृष्टि की अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। कौन सा यज्ञ किया? देवताओं ने मानस यज्ञ किया। मानस यज्ञ, मानसिक रूप से यज्ञ किया, भौतिक यज्ञ नहीं किया, मानसिक रूप से यज्ञ किया। क्योंकि भौतिक यज्ञ में तो सारी वस्तुएं चाहिए, अभी वस्तुएं तो है ही नहीं, उसमें तो हवी भी चाहिए, घी भी चाहिए, लकड़ियां भी चाहिए। अब अभी न तो पेड़ पौधे बने, न गाय भैंसे बनी, गाय भैंसे नहीं बने तो घी कहाँ से आएगा, पेड़ पौधे नहीं बने, लकड़ियां कहाँ से आएगी, क्या जलाएंगे, कहीं से यज्ञ होगा। मानस यज्ञ किया, और वो जो मानस यज्ञ था वो था पुरुष यज्ञ। उस मानस यज्ञ में विराट पुरुष की हवि चढ़ा दी, बलि दे दी, विराट पुरुष का ही हवन कर दिया उस यज्ञ में। अब विराट पुरुष का हवन कैसे होगा, विराट पुरुष तो इतना बड़ा है, काट काट के थोड़े ना हवन करेंगे उसका। मानस यज्ञ है, मानसिक रूप से है, केवल कल्पना की है। उसी कल्पना को इस मंत्र में शब्दों में पिरोया जा रहा है, उस मानस यज्ञ की कल्पना को। क्या कह रहे हैं देखो, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत। वैदिक जो छंद हैं, वैदिक छंदों में क्या है कि वर्णों की जो संख्या है वो एक दो कम ज्यादा हो जाती है। जैसे एक वर्ण कम है तो उसे निचरित कहते हैं, एक वर्ण ज्यादा है तो उसे भूरिक कहते हैं। ये नाम है, जैसे गायत्री छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, कुल 24 वर्ण होते हैं। अगर वर्णों की संख्या 23 है, 24 नहीं है तो उसे निचरित गायत्री कहेंगे, और वर्णों की संख्या एक ज़्यादा है मतलब 25 वर्ण है तो उसे भूरिक गायत्री कहेंगे। तो वर्णों की संख्या एक दो कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये जो पूरा पुरुष सूक्त है 15 मंत्र टोटल, वो अनुष्टुप छंद में 16वां त्रिष्टुप में, तो अनुष्टुप छंद में 8-8 वर्ण होने चाहिए ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8-8 मंत्रों रहे, वर्णों रहे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर किसी में एकाध वर्ण कम ज़्यादा होते हैं तो वैदिक छंदों में ये चलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ 7 ही वर्ण हो रहे हैं, देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो हैं ये कहलाएगा निचरित अनुष्टुप। तो वैदिक छंदों में वर्णों की संख्या एक दो कम ज्यादा हो जाती है। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञे मतन्वत वसंतोषासीदाज्यम ग्रीष्म हिद्मा शरद्धवी। इसमें कहा कि उन्होंने पुरुष को ही हवि बना लिया देवताओं ने। अब देवताओं ने यज्ञ किया, देवा यज्ञम अतन्वत, देवताओं ने यज्ञ अतन्वत, अतन्वत यानी यजन किया, संपादित किया यज्ञ। किसके द्वारा? हवि कहाँ से आएगी? हवि मतलब जो अग्नि में डाली जाती है, हवि कहाँ से लाएंगे? पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि से, विराट पुरुष को ही हवि बना लिया तभी तो उसको पुरुष यज्ञ नाम दिया, पुरुष को ही यज्ञ में डाल दिया अग्नि में। मानसिक रूप से मानस यज्ञ है। तो देवा देवताओं ने पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि से यथ यज्ञम, जो यज्ञ अतन्वत संपादित किया। अब उस यज्ञ में घी कहाँ से आया, ईंधन कहाँ से आया, हवि कहाँ से आई? तो बता रहे हैं कि वसंतो अस्य आज्यम आशीत, वसंत ऋतु ने आज्यम घी के रूप में कार्य किया। वसंत आज्यम आशीत, वसंत इसका घी था, वसंत ऋतु घी बन गई। अस्य इस यज्ञ का, अर्थात मानस यज्ञ का, पुरुष यज्ञ का, इस पुरुष यज्ञ का आज्यम घी कौन था? वसंत आशीत, वसंत ऋतु घी बन गई, और ग्रीष्म इदमा, ग्रीष्म ऋतु ईंधन बन गई, समिधा बन गई, लकड़ियां बन गई, और शरद हवि, और शरद ऋतु ने हवि का कार्य किया। शरद प्लस हवि, शरद हवि, पूर्व समण संधि हो रही, जय हो अन्यतर श्याम, उस सूत्र से जय हो अन्यतर श्याम से।
और शरद ऋतु ने हवि के रूप में कार्य किया, इसमें से प्रश्न बनेगा। इस मंत्र में से प्रश्न बनेगा पुरुष यज्ञ से आज्यम आशीत, ऑप्शन मिलेंगे वसंत, ग्रीष्म, शरद, उत्तर होगा वसंत। उल्टा भी प्रश्न बन सकता है, पुरुष यज्ञ शरद आशीत, पुरुष यज्ञ में शरद ऋतु थी, ऑप्शन है हवि, इदमा, आज्यम, सर्वाणी, उत्तर होगा हवि। ये छह मंत्र यहां पर कंप्लीट हुए। देवताओं ने पुरुष यज्ञ किया, जो एक मानसिक यज्ञ था उसमें पुरुष का हवन कर दिया। अब वो जो यज्ञ किया उसी यज्ञ से, जो पुरुष यज्ञ किया उसी से सृष्टि के अनेक पदार्थों की उत्पत्ति होगी। किन किन पदार्थों की उत्पत्ति होगी ये देखो सातवें मंत्र में। अब यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ करने के लिए सबसे पहले अब विराट पुरुष की बलि दी जानी है, विराट पुरुष का हवन किया जाना है। विराट को एक पुरुष के रूप में यहां पर, सॉरी, पशु के रूप में यहां पर कल्पित किया गया है। विराट पुरुष को पशु माना और उस विराट पुरुष रूपी पशु की बलि दी जानी, उसी का हवन किया जाना है। तो जिस पुरुष की बलि दी जानी है पहले तो उस, जिस पशु की बलि दी जानी है पहले तो उस पशु को पवित्र करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, और जिस यज्ञ वेदी में हवन करना है उस यज्ञ वेदी को भी पवित्र करते हैं। तो उस यज्ञ वेदी पर और उस विराट पुरुष रूपी पशु पर सबसे पहले तो देवताओं ने जल छिड़का और पवित्र किया। कहा है पुरुषम उस विराट पुरुष पर, पुरुषम उस विराट पुरुष पर प्रोक्षण, जल छिड़का। प्रोक्षण का अर्थ है जल छिड़कना। पुरुषम उस पुरुष पर प्रोक्षण, जल छिड़का। उस पुरुष पर जल छिड़का, किस पुरुष पर? तम, तम पुरुषम उस पुरुष पर, अर्थात उस विराट पुरुष पर जल छिड़का। वह विराट पुरुष जो अग्रतः जातम, जो इस सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अग्रतः अर्थात सर्वप्रथम, जो इस सृष्टि में अग्रतः जातम सबसे पहले उत्पन्न हुआ, उस पुरुषम उस पुरुष पर प्रोक्षण जल छिड़का। जातम में द्वितीय एकवचन है, पुरुषम में भी द्वितीय एकवचन है, इसका मतलब है पुरुष का विशेषण है जातम। अग्रतः जातम सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले तम पुरुषम उस विराट पुरुष पर प्रोक्षण जल छिड़का, और साथ में यज्ञम बरहिषी, बरहिषी यानी वेदी, यज्ञम बरहिषी उस यज्ञ वेदी पर भी जल छिड़का। देवताओं ने, क्योंकि यज्ञ करना था पवित्रीकरण जरूरी था, समझ में आई बात? तो देवताओं ने अग्रतः जातम सबसे पहले उत्पन्न होने वाले तम पुरुषम उस विराट पुरुष रूपी पशु पर और यज्ञम बरहिषी यज्ञ वेदी पर प्रोक्षण जल छिड़का। और उसके बाद क्या किया फिर? तेन, फिर उसके द्वारा, उस विराट पुरुष रूपी पशु के द्वारा देवा, उन देवताओं ने, शाद्या उन साधनभूत प्रजापतियों ने, और ऋषि उन दृष्टा ऋषियों ने अयजंत यज्ञ किया। यजधातु है यजन करना, यज्ञ करना। फिर उन देवताओं ने, साधनभूत प्रजापतियों ने और दृष्टा ऋषियों ने अयजंत यज्ञ संपादित किया। यहां पर देवा का अर्थ देवता, शाद्य का अर्थ प्रजापति, ऋषि का मतलब मंत्र दृष्टा ऋषि, इन सब ने फिर अयजंत यज्ञ किया। किससे? तेन, उसके द्वारा। किसके द्वारा? विराट पुरुष के द्वारा, विराट पुरुष रूपी पशु के द्वारा यज्ञ किया। इसके बाद सातवें मंत्र की ओर आते हैं। अब विराट पुरुष का हवन कर दिया, उसमें यज्ञ किया, अयजंत, ये शब्द ये बता रहा है कि काम कंप्लीट हो गया।
यज्ञ कर लिया, हवन कर दिया, भूतकाल की क्रिया है आयजंत, हवन कर दिया। अब वो जो हवन कुंड था, वो जो यज्ञ वेदी थी, उससे सृष्टि के अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए। क्या क्या उत्पन्न हुए? सातवें मंत्र में, सॉरी आठवें मंत्र में कह रहे हैं कि तस्मात यज्ञात सर्वहूत संवृतम प्रसदाज्यम, तस्मात यज्ञात सर्वहूत संवृतम प्रसदाज्यम पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानरण्यान ग्राम्याश्रये। देखो मैंने कहा था कि जो अनुष्टुप छंद होता है प्रत्येक चरण में आठ वर्ण होते हैं, लेकिन वैदिक छंदों में वर्णों की संख्या कम ज्यादा हो जाती है। ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें आठ चरण हैं। लेकिन जो द्वितीय चरण, इसमें देखो आप एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ही वर्ण है। प्रथम चरण में आठ वर्ण हैं, द्वितीय चरण में केवल सात वर्ण हैं, तो इसमें वर्णों की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है। तस्मात यज्ञात सर्वहूत संवृतम प्रसदाज्यम पशुस्तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्रये। वो जो यज्ञ था, उस यज्ञ को नाम दिया सर्वहूत यज्ञ। इस शब्द को ध्यान रखना आप, क्यों कहा उसको सर्वहूत यज्ञ? क्योंकि उस यज्ञ में सब कुछ हूत कर दिया, सब कुछ आहूत कर दिया गया था, सब कुछ हवन कर दिया, विराट पुरुष का हवन कर दिया, तो बचा क्या पे? इसलिए उस यज्ञ को सर्वहूत यज्ञ नाम दिया। इस पूरे सूक्त के 16 मंत्रों में कहीं भी पुरुष यज्ञ नाम नहीं आया और नहीं आगे आएगा। उस यज्ञ को नाम दिया है सर्वहूत यज्ञ, ये आप ध्यान रखना। तस्मात सर्वहूत यज्ञात, उस सर्वहूत यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहले, सबसे पहले आज्यम, आज्यम का अर्थ है घी। सबसे पहले घी उत्पन्न हुआ, घृत उत्पन्न हुआ, आज्यम अभी पढ़ा था हमने, वसंतोष्यासीद आज्यम। तो आज्य का अर्थ है घी, घृत, आज्यम घी उत्पन्न हुआ, लेकिन शुद्ध घी उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि प्रिषद। ये जो प्रिषद शब्द हैं, प्रिषद का अर्थ होता है दही, और समृद्ध का अर्थ होता है मिला हुआ, दही मिला हुआ, मिश्रित। प्रिषद यानी समृद्ध यानी मिश्रित, प्रिषद मतलब दही, दही मिला हुआ घी उत्पन्न हुआ, ऐसा घी जिसमें दही मिला हुआ था। अब दही मिले हुए घी को तो मक्खन कहते हैं, फिर उसी को तो गर्म करके घी बनाते हैं मक्खन को, तो मक्खन उत्पन्न हुआ, सीधा घी उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरा घी बनकर बढ़िया डिब्बा पैक होकर आ गया, बस खाओ, खाने का ही काम है, ऐसा नहीं। आज्यम घी उत्पन्न हुआ उससे सबसे पहले, लेकिन प्रिषद समृतम दही मिश्रित, प्रिषद मतलब दही, समृत यानी मिश्रित, मिला हुआ दही मिला हुआ घी उत्पन्न हुआ, मतलब मक्खन उत्पन्न हुआ। उसके बाद कौन उत्पन्न हुआ उस सर्वहूत यज्ञ से? उसके बाद पशुस्तांश चक्रे, चक्रे यानी उत्पन्न किया, किन्होंने? उन ऋषियों ने, उन ऋषियों ने, देवताओं ने उस यज्ञ से चक्रे उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? तान पशुन, उन पशुओं को उत्पन्न किया। किन पशुओं को? वायव्यान, वायु में उड़ने वाले, अरण्यान जंगल में रहने वाले, ग्राम्यान गांव में रहने वाले। वायु में उड़ने वाले अर्थात पक्षी, उन पक्षियों को उत्पन्न किया। अरण्यान जंगल में रहने वाले हिरण आदि पशुओं को उत्पन्न किया, और ग्राम्यान अर्थात पालतू पशुओं को उत्पन्न किया। तो वायव्यान का मतलब पक्षी, अरण्यान का मतलब जंगली पशु, और ग्राम्यान का मतलब पालतू पशु, ये उत्पन्न हुई। प्रश्न बनेगा, प्रिषद समृतम आज्यम कस्मात उत्पन्नम? उत्तर होगा सर्वहूत यज्ञात, सर्वहूत यज्ञ से उत्पन्न हुआ। उसके बाद नवे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। नवा मंत्र कहता है तस्मात यज्ञात सर्वहूतात ऋच सामानि जगिरे छंदांसी जगिरे तस्मात यजुस्तस्माद जायत।
तस्माद् यज्ञा सर्वहुतः ऋच सामानि जग्गिरे छंदांसी जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। इसमें कहा कि तस्मात् सर्वहुत यज्ञात, उस सर्वहुत यज्ञ से, उस सर्वहुत यज्ञ से ऋच सामानि जग्गिरे, ऋचाएं उत्पन्न हुई, सामान्य अर्थात साम, साम वेद के मंत्र उत्पन्न हुए, और जग्गिरे, जग्गिरे मतलब उत्पन्न हुए, ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए, छंदांसी जग्गिरे छंद उत्पन्न हुए, और तस्माद उसी सर्वहुत यज्ञ से यजु उत्पन्न हुए, तस्माद अजायत यजु, तस्माद छंदांसी जग्गिरे उसी सर्वहुत यज्ञ से छंद उत्पन्न हुए, और तस्माद उसी सर्वहुत यज्ञ से यजु अजायत यजुष उत्पन्न हुए, अर्थात यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। ऋचय का मतलब ऋग्वेद के मंत्र, सामान्य मतलब सामवेद के मंत्र, और यजुष मतलब यजुर्वेद के मंत्र, ये सब उत्पन्न हुए। ये बात हुई नवे मंत्र की। नवा मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। प्रश्न इसमें से फर्स्ट ग्रेड में एक बार बना था, ऋच सामानी कस्मात् जग्गिरे। अब ऑप्शन में थे पुरुष यज्ञात, सर्वहूत यज्ञात, या अग्निहोत्र यज्ञात, इस तरह से। तो उसका आंसर था सर्वहूत यज्ञात। इसके बाद दसवें मंत्र की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा दसवां मंत्र है, तस्मादश्वा अयाजन्त ये केच उभयोदत। गावो हि जग्गिरे तस्मात् तस्मात् जाता हजावयः। तस्मात् उसी सर्वहूत यज्ञ से अश्वा अयाजन्त, फिर घोड़े उत्पन्न हुए, अश्व उत्पन्न हुए। उसके बाद ये केच उभयोदत, उभयादत जिनके दोनों ओर दांत थे, फिर ऐसे पशु उत्पन्न हुए जिनके दोनों ओर दांत होते हैं। गाय बैल के इनके दोनों ओर दांत नहीं होते हैं, गाय भैंस आदि के एक ओर ही दांत होते हैं, नीचे वाले जबड़े में, ऊपर दांत नहीं होते उनके। तो कहा कि गावो ही जग्गिरे, सॉरी, तस्माद अश्वा अयाजंत, तस्माद अश्वा अयाजंत उससे घोड़े उत्पन्न हुए, ये केचे उभयादत और फिर जिनके दोनों ओर दांत थे ऐसे पशु उत्पन्न हुए। उसके बाद गावो ही जग्गिरे तस्मात्, तस्मात् उस सर्वहुत यज्ञ से गावो जग्गिरे, फिर गायें उत्पन्न हुई, और तस्मात् जाता अजावये, तस्मात् उसी सर्वहुत यज्ञ से अजावये भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। अजा मतलब बकरी और वये का मतलब है भेड़, फिर भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। ये उत्पत्ति का क्रम बता रहे हैं, सारी जो वस्तुएं हैं उसी विराट पुरुष रूपी यज्ञ से निकली हैं, सर्वहूत यज्ञ से निकली हैं। फिर आगे कहा है, यत् पुरुषम वेदधु कतिधा विकल्पयन मुखम किमस्य को बाहु काउ रूपादा उच्यते। अब देखो ये जो ऊपर वाला चरण है दोनों, इनमें तो बिल्कुल वर्णों की संख्या बहुत कम कर दी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हैं। अब एक दोनों चरणों में एक एक वर्ण कम कर दिया। वैदिक छंदों में ये चीज़ चलती है, उसको भूरिक और निचरित कहते हैं। एक वर्ण कम है तो निचरित, एक वर्ण ज़्यादा है तो भूरिक। ऐसे विराट स्वराट कहते हैं, दो वर्ण कम ज़्यादा हो तो। यत् पुरुषम, जिस विराट रूपी पुरुष को व्यकल्पयन, कल्पना की, क्योंकि मानस यज्ञ है, कल्पनाओं से हुआ। यत् पुरुषम व्यकल्पयन, जिस पुरुष की कल्पना की थी बलि देने के लिए, उस पुरुष को कतिधा वेददु, कितने प्रकार से विभाजित किया, वेददु यानी विभाजित किया, उसके शरीर को विभाजित तो किया ना, जब बलि दे रहे हो उसको पुरुष मान, पुरुष को पशु मान रहे हो आप, तो फिर पशु के तो हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, मुंह भी होता है, आंखें भी होते हैं, सब होते हैं उसके, तो उसका विभाजन तो किया होगा ना, कि उसके हाथ क्या है, पैर क्या है, मुंह क्या है। तो यत् पुरुषम, जिस पुरुष को विकल्पयन, कल्पित किया पशु के रूप में, उस पशु को कतिधा, कितने भागों में वेददु, विभाजित किया,
मुखम किम से इस विराट पुरुष रूपी पशु का मुख क्या था, को बाहु भुजाएं कौन सी थी, का उरु जंगाएं क्या थी और पादा उचित और पैर किसे माना गया। इसके उत्तर में 12वें मंत्र में कहते हैं, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वेश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण इसका मुख था, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है। बाहु राजन्य कृत, राजन्य अर्थात क्षत्रिय बाहु कृत इसकी भुजाएं थी। और यद वेशे, जो वेशे वर्ण है वह अश्य उरु, वह इसकी जंगाएं थी। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम अर्थात पैरों से शूद्रो अजायत, शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति विराट पुरुष की भुजाओं से, वेश्य की उत्पत्ति विराट पुरुष की उरु अर्थात जंगाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पदभ्याम अर्थात पैरों से हुई। ये प्रश्न भी बन जाता है किस वर्ण की उत्पत्ति किस अंग से हुई, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। इसके बाद 13वें मंत्र की ओर आते हैं। ये तो चारों वर्णों की उत्पत्ति हो गई उसी विराट पुरुष से, चारों वर्णों के अलावा फिर और वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य चंद्रमा दिशाएं वगैरह कैसे बनी, उसके लिए मंत्र हैं, चंद्रमा मन सो जात चक्षो सूर्यो अजायत, मुखादिंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायु रजायत। चंद्रमा मन सो जात, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, मनश पंचमी एकवचन है, जनि कर्तु प्रकृति, उत्पन्न होने के अर्थ में जो प्रकृति है जो कारण है उसमें पंचमी आती है। तो मनुष्य मन से चंद्रमा जाता, चंद्रमा उत्पन्न हुआ विराट पुरुष के मन से। चक्षो हो विराट पुरुष की आंखों से सूर्य अजायत, सूर्य उत्पन्न हुआ। और मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, विराट पुरुष के मुख से अग्नि और इंद्र उत्पन्न हुए। इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र और मुख दोनों उत्पन्न हुए, इंद्र और अग्नि दोनों उत्पन्न हुए। तभी तो अग्नि इंद्र का भाई है, भ्राता है। हमने जब वैदिक सूक्त पढ़े अग्नि और इंद्र, वैदिक देवता पढ़े, उस समय कहा था कि अग्नि इंद्र का भाई है। क्यों भाई है? क्योंकि दोनों की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। और प्राणाद वायु रजायत, और विराट पुरुष के प्राणों से वायु रजायत, वायु की उत्पत्ति हुई। इसके बाद 14वें मंत्र की ओर बढ़ते हैं। ये तो चारों वर्णों की उत्पत्ति होगी, सूर्य चंद्रमा वायु प्राण अग्नि इनकी उत्पत्ति होगी। अब लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी लोक द्विलोक आकाश लोक अंतरिक्ष लोक ये कैसे बढ़े, तो इसमें कहा कि उस विराट पुरुष का जो शिर था उससे तो द्विलोक बना, द्विलोक मतलब आकाश लोक। विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति हुई, और विराट पुरुष के पैरों से पृथ्वी लोक की उत्पत्ति हुई। शिर ऊपर रहता है, नाभि बीच में रहती है, पैर नीचे रहता है, तो जो सबसे ऊपर लोक रहेगा उसकी उत्पत्ति शिर से होगी, जो लोक बीच में रहेगा उसकी उत्पत्ति नाभि से होगी, और जो लोक सबसे नीचे रहेगा उसकी उत्पत्ति पैरों से होगी। सबसे ऊपर लोक है द्विलोक मतलब आकाश लोक, वो सिर से उत्पन्न हुआ। उसके नीचे बीच में है अंतरिक्ष लोक, वो नाभि से उत्पन्न हुआ। और सबसे नीचे है पृथ्वी लोक, तो पैरों से उत्पन्न हुआ। यही बात 14वें मंत्र में बताई है कि नाभ्या अंतरिक्ष आशित, नाभ्या उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष आशित अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। और शीर्षनो शीर्ष से अर्थात विराट पुरुष के सिर से मस्तक से द्योहो समवर्तत द्युलोक उत्पन्न हुआ। और पदभ्याम भूमि, और उसके पैरों से भूमि अर्थात पृथ्वी लोक उत्पन्न हुआ। और स्रोत्रात दिश, स्रोत्र अर्थात कान, उस विराट पुरुष के कान से दिश सारी दिशाओं की उत्पत्ति हुई। तथा इस प्रकार लोकान अकल्पयन, सभी लोकों की कल्पना की कि कौन सा लोक विराट पुरुष के किस अंग से उत्पन्न हुआ। लोकान अकल्पयत अर्थात लोकों की कल्पना की, लोकों का निर्माण हुआ। उसके बाद 15वां मंत्र आता है कि जब देवताओं ने वो पुरुष रूपी यज्ञ किया, सर्वहूत यज्ञ किया, तो उस सर्वहूत यज्ञ में समिधाएं कहां से आई, कितनी समिधाएं थी,
परिधियाँ कितने थी जब यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में तो संविदा चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो कितनी लकड़ियाँ यूज में ली थी, कितनी संविदाएँ यूज में ली थी, और यज्ञ करने के लिए यज्ञ की वेदी बनानी पड़ती है, वेदी ईंटों से बनती है, इष्टिकाओं से बनती है, ईंट को इष्टिका कहते हैं, तो इष्टिका की परिधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे चारों तरफ एक परिधि बना दी एक एक ईंट की, फिर उसके बाद दूसरी परिधि उसमें दो दो ईंट, उसके बाद तीसरी परिधि तीन तीन ईंट, फिर चौथी परिधि चार चार ईंट, फिर पांचवी परिधि पांच पांच ईंट, ऐसे गुंबद के आकार में शंकु के आकार में वेदी बनती। तो कितनी परिधियाँ बनाई गई, एक परिधि फिर उसके अंदर दूसरी फिर तीसरी चौथी, इस तरह से बनती। तो कहा सप्ताश्यासन परिधय त्रिसप्त समिध कृता, अस्य सप्त परिधये आसन, इसकी सात परिधियाँ थी और त्रिसप्त, इन दोनों को गुणा करना होगा, तीन और सात को 21, त्रिसप्त का मतलब 21, और 21 समिध कृता, समिधाएं रखी गई। यहां पर यह प्रश्न बनता है, पुरुष यज्ञ या सर्वहूत यज्ञ कति परिधये आसन, उत्तर था, उत्तर होगा सप्त। पुरुष यज्ञ या सर्वहूत यज्ञ कति समिध आसन, उत्तर होगा त्रिशप्त या फिर एक विंशति मिल जाएगा। त्रिशप्त का मतलब सात ये 21, 21 समिधाएं रखी गई। देवा यदि यज्ञम तनवाना अबदनन पुरुषम पशुम, देवा देवताओं ने यज्ञम तनवाना, यज्ञ करते हुए, तनवाना में सानस प्रत्यय, यज्ञ करते हुए, यज्ञम तनवाना यज्ञ करते हुए देवताओं ने यद पुरुषम पशुम, जिस विराट पुरुष रूपी पशु को बलि देने के लिए अबदनन बांधा, देवा यज्ञम तनवाना देवा, यज्ञ करते हुए देवताओं ने यद पुरुषम पशुम, जिस विराट पुरुष रूपी पशु को अबदनन बांधा बलि देने के लिए, तो जिस यज्ञ में बलि दी जानी है उस यज्ञ की सप्त परिधय आसन, अस्य सप्त परिधय आसन, उस यज्ञ की सात परिधियां थी और त्रिशप्त अर्थात 21 समिधय कृता, समिधाएं थी। ये प्रश्न बनता है कितनी परिधियां कितनी समिधाएं, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र है, इसमें त्रिष्टुप छंद है। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवा, यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवा। त्रिष्टुप संदेश में यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवा देवताओं ने यज्ञेन उस विराट पुरुष रूपी यज्ञ से यज्ञम अयजंत वह यज्ञ संपादित किया, देवा देवताओं ने यज्ञेन उस पुरुष रूपी यज्ञ से यज्ञम अयजंत जो यज्ञ संपादित किया, तानि वो जो उस यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप थे देवताओं के, वो समस्त क्रियाकलाप इस सृष्टि की उत्पत्ति में प्रथमानि धर्माणि आसन, सबसे पहले धर्म हुए अर्थात सबसे पहला योगदान हुआ सृष्टि की उत्पत्ति में, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कार्य, सबसे पहला योगदान ये हुआ कि उन देवताओं ने विराट पुरुष रूपी यज्ञ संपन्न किया, यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसलिए इसके लिए कहा है प्रथमानि धर्माणि, वही सृष्टि की उत्पत्ति में प्रथम धर्म हुए। क्या वो प्रथम धर्म, पहला कार्य, पहला योगदान, पहला धर्म सृष्टि की उत्पत्ति में क्या हुआ, देवा यज्ञेन यज्ञम अयजंत, देवताओं ने यज्ञेन उस विराट पुरुष रूपी यज्ञ से जो यज्ञम अयजंत जो यज्ञ संपादित किया, वही प्रथमानि धर्माणि आसन, वही इस सृष्टि का प्रथम धर्म हुआ, इस सृष्टि की उत्पत्ति में प्रथम योगदान हुआ, इस कारण उन देवताओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए ते महिमान, वे महिमाशाली देवता, कि उन्होंने इतना महान कार्य किया था सृष्टि की उत्पत्ति के लिए शुरुआत की, तो ते महिमान, वे महिमाशाली देवता नाकम सचंत, स्वर्ग को चले गए, स्वर्ग को प्राप्त किया उन्होंने, नाक का मतलब है यहाँ पर स्वर्ग, तो ते वे महिमान महिमाशाली देवता नाकम सचंत, स्वर्ग को चले गए, उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया,
कौन से स्वर्ग को? यत्र, जहां पर पूर्वे पहले ही साध्या देवा संति, साध्य अर्थात सिद्ध देवता संति रहते हैं, जहां पहले ही सिद्ध देवता रहते हैं, प्राचीन सिद्ध मुनि जहां पहुंचते हैं उस स्वर्ग लोक को, उस नाक को उन महिमाशाली देवताओं ने भी प्राप्त किया जिन्होंने वो विराट पुरुष रूपी यज्ञ करके और सृष्टि के उत्पत्ति में प्रथम योगदान दिया, वही योगदान उनका प्रथम धर्म कहलाया। ये विराट पुरुष के सभी 16 मंत्र यहां पर आके पूर्ण होते हैं। विराट पुरुष अपने आप में या पुरुष सूक्त अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त हैं, और ये जो सूक्त है इसमें से प्रश्न आना ही है निश्चित रूप से। यद भूतम यच्च भव्यम देव क अमृतत्वस्य ईशान क चंद्रमा चंद्रमशः उत्पत्ति विराट पुरुषस्य कस्मात् अंगात् जाता, विराट पुरुषस्य मुखम किम, इस तरह से अनेक प्रश्न इसमें से बनते हैं, इन मंत्रों में से बनते हैं। इन मंत्रों में से बीच बीच में से किसी मंत्र का एक पाद ले लिया, मंत्रांश ले लिया, और ये भी पूछ लिया जाता है अयम मंत्रांश केन सूक्तेन संबद्ध, इस तरह तो मंत्र भी हमें ध्यान होने चाहिए। तो साथियों, ये था पुरुष सूक्त। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक नए सूक्त के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।